हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक जीके बाय स्टडी आईक्यू इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस पर कम से कम आप एक से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर इसमें आपको याद रखना है कि आपको नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या नेशनल रिसर्च सेंटर ही सिर्फ याद रखने हैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बोलते हैं जैसे एग्ज़ाम में आई या एन या इन पर सवाल नहीं आएंगे दूसरी बात अगर कोई इंस्टीट्यूट एक से ज़्यादा जगह पर है वो भी एग्जाम में नहीं आएगा एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो जो पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं और जो सिर्फ एक ही जगह पर हैं जैसे आई आई एच एम आर है नाओ आई आई एच एम आर बहुत सारी जगह है दिल्ली में है जयपुर में है इनका मेन सेंटर वैसे जयपुर में है तो इस तरह का सवाल नहीं आएगा जो सेंटर एक से ज़्यादा जगह पर है वो एग्जाम में नहीं आएगा और नेशनल रिसर्च सेंटर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं लगभग फिफ्टी के आसपास कवर किए हैं मैंने तो आपको सिर्फ यही वाले याद रखने हैं इन्हीं पर फोकस करना है और इनके अलावा जो भी इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं वीडियो में साथ साथ कवर करता चलूँगा सो दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय मी माई नेम इज़ डॉक्टर गौरव गर्ग एंड आई ए फैकल्टी फॉर इंग्लिश एंड जी एस एट स्टडी आई क्यू तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के अंदर Central Rice Research Institute, जिसको शॉर्ट में सीआरआई भी कहा जाता है Central Rice Research Institute, ये है है कटक कटक में और उड़ीसा के अंदर और भारत तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आईआईएसआर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह है लखनऊ के अंदर अगर आपको ये ऑप्शन मिले तो आप गैस भी कर सकते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यूपी के अंदर सो so, लखनऊ है यूपी में तो अगर गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में है तो शुगर केन रिसर्च भी उसी जगह पर होने के चांसेस ज़्यादा हैं दूसरी बात जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इससे मिलते जुलते नाम भी ऑप्शन में आ सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट भी है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कि है कोयम्बटूर के अंदर तमिलनाडु के अंदर सो so, इस तरह के नाम से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इसीलिए इस नाम पर आपको काफी ध्यान देना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी आई अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट अब आप जानते हैं टोबैको भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है टोबैको सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में भी गुंटूर जिसको टोबैको सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं और राजमुंदरी भी है आंध्र प्रदेश में सो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर यह बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट ना इसको शुगर को शुगर केन वाले से कंफ्यूज नहीं करना है ये शुगर है सो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर उत्तर प्रदेश अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर करनाल ये हरियाणा के अंदर है और हरियाणा के अंदर मेनली जो डेयरी है वो बफेलो ओरिएंटेड ज़्यादा है बफेलो की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं हरियाणा में ये अपनी लोकल वैराटीज़ भी हैं हरियाणा के अंदर जैसे हरियाणा वेराइटी या महिवाल वरायटी या होल फ्रीशियन फ्रिशियन वेराइटी इस तरह की बहुत सारी वेरायटी हैं और डेयरी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है करनाल सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है अडियार चेन्नई के अंदर तमिलनाडु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इसको सवाल को तोड़ के भी पूछा जा सकता है जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग कहां पर है या आई एस एम कहां पर है इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स वो भी है धनबाद के अंदर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को अब आई आई टी का दर्जा भी मिल चुका है सो so, माइनिंग के लिए फेमस है कोल के लिए धनबाद फेमस है इनफैक्ट जो वासीपुर है जो आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर मूवी भी देखी होगी वो भी धनबाद के अंदर आता है और ये पूरा दामोदर वैली जो एरिया है ये कोल के लिए फेमस है हज़ारीबाग सिंह भूम जो भी पूरा ये दामोदर वैली एरिया है यहाँ पर कोयला काफ़ी ज़्यादा होता है सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इज़ इन धनबाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं केंद्रीय है, वैज्ञानिक उपकरण संगठन ये है चंडीगढ़ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई चंडीगढ़ में नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी ये है जमशेदपुर जिसको टाटा नगर भी कहते हैं नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है भावनगर भावनगर है गुजरात के अंदर सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन भावनगर गुजरात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है जो हमारे म्यूजियम्स या पुरानी इमारतें हैं उनको ठीक रखना उनमें सुधार करना और नई नई जो हमारे अवशेष मिलते हैं उन्हें निकालना रिसर्च करना सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो म्यूजियम है वो है कोलकाता के अंदर सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोलकाता के अंदर भारत में जो जूट है सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में सो इसीलिए ये है कोलकाता के अंदर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बेसिकली एक कोकोनट रिसर्च यहाँ पे काफ़ी होता है और कोकोनट सबसे ज़्यादा होता है भारत में केरल में सो ये है कासरगोड़ केरल सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ओशियनोग्राफी बोलते हैं समुद्र विज्ञान को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशियनोग्राफी है पंजी जो कि गोवा की राजधानी है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यह भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यह है देहरादून उत्तराखंड के अंदर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली के अंदर और रोड बनाने वाली दोनों ऑर्गेनाइजेशन इनके हेडक्वाटर दिल्ली में है जो नॉर्मल जो नेशनल हाईवे बनाती है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बॉर्डर्स के ऊपर रोड बनाता है ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो दोनों का हेडक्वाटर नई दिल्ली में है इसीलिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है नई दिल्ली के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये है गुलमर्ग के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग कश्मीर ये फेमस घास के मैदान है कश्मीर में जिनको मर्ग कहा जाता है जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में भारत राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बॉटनी बोलते हैं पौधों की स्टडी को सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है मैसूरू के अंदर जो कि है कर्नाटक के अंदर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे सी कहा जाता है सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोलकाता के अंदर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट नीरी इसे शॉर्ट में कहते हैं नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर है अगेन लखनऊ के अंदर इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी आर्यभ्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एग्रीकल्चर आर्यभ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ये है नैनीताल के अंदर नैनीताल उत्तराखंड बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी पेलियो paleo, पेलियटोलॉजी uh, बोलते हैं जो फोसियल्स हम स्टडी करते हैं जो जमीन में जो अवशेष होते हैं पौधों के या वनस्पति या जानवरों के उन्हें बोलते हैं फोसियल्स जो लंबे समय तक जमीन के अंदर दबे रहते हैं सो so, उसको बोला जाता है पेलियोटोलॉजी और भारत के मशहूर पेलियो पेलियो बॉटनिस्ट थे बीरबल साहनी तो इनको uh, इनके नाम पर रखा गया है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी ये भी है लखनऊ के अंदर एफ टी आई आई ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये है पुणे के अंदर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफ के नाम से काफी पॉपुलर है पुणे इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट यह है सूरत के अंदर सूरत डायमंड्स के लिए फेमस है मेनली डायमंड पॉलिशिंग के लिए फेमस है इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यह है बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये है तेलंगाना के अंदर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी बोलते हैं जब हम आ, किसी प्लांट या एनिमल को उसके एनवायरमेंट के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है इकोलॉजी सो नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है नई दिल्ली के अंदर पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है बरेली इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्यूबर क्लोसेज इंस्टीट्यूट यह है बेंगलोर के अंदर सो so इसमें साइंस से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में एक है निमांस मेंटल हेल्थ के लिए जो इंस्टीट्यूट है और दूसरा है नेशनल ट्यूबर क्लोसिस इंस्टीट्यूट ट्यूबर क्लोसिस को हिंदी में बोलते हैं रोग इसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं और लगातार खांसी रहती है बहुत सारे भारतीय अफेक्टेड हैं ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यह में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये दोनों हैं हैदराबाद के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन राष्ट्रीय पोषण संस्थान

और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये दोनों है नई दिल्ली के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर सो ये है फरीदाबाद के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर जिसे पॉपुलरली एनआईए कहा जाता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये है मानेसर मानेसर है गुड़गांव के पास गुड़गांव से बस पाँच से दस किलोमीटर दूर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आई इसे बहुत पॉपुलरली कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट ये है आनंद के अंदर आनंद है गुजरात में यहाँ पर अमूल की फैक्ट्री भी है और इसे आनंद को भारत का मिल्क सिटी कहा जाता है गुजरात वैसे भी भारत का मिल्क स्टेट है सबसे ज़्यादा दूध भारत में गुजरात में है सो मिल्क सिटी भी आनंद को कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी पॉपुलर यह है नई दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आई ई जी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस यह है भोपाल के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो कि इसरो का एक हिस्सा है यह है देहरादून उत्तराखंड में भारत का जो नंबर वन यूनिवर्सिटी है जिसे अभी अभी रैंकिंग में भी नंबर वन आया है वो है इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारतीय विज्ञान संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंगलुरु सो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स ये स्टैटिक जीके का हिस्सा है सो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं इसके अलावा स्टैटिक जीके का अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं आप तक लेकर आऊँ तो आप अगेन कमेंट्स में लिख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग